Hey guys, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक सॉफ्ट स्पॉन्जी केक का रेसिपी। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक कप मैदा लिए हैं जो लगभग 250 ग्राम जैसा है। मैदे को हम एक छन्नी में ले लेंगे और उसके साथ मिलाएंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। सेम क्वांटिटी में यहाँ पे हम एक कप चीनी लिए हैं, जिसे हम ब्लेंडर में एक पाउडर बना लेंगे। सेम कप में हम एक कप रिफाइंड ऑयल लिए हैं और हम साथ में लिए हैं 3 अंडे। ऑयल और एग को हम शुगर पाउडर में डाल देंगे और इसको ब्लेंडर में अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट तक हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना होगा। अब इस बैटर को हम एक कंटेनर में अलग से डाल लेंगे। अब थोड़े थोड़े करके मैदा मिला के हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त ध्यान रहे, हमारा स्पून एक ही सर्कल में घूमना चाहिए, हमें वापस अपोजिट सर्कल में स्पून को नहीं घुमाना है। जब ये बैटर थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम इसमें थोड़े थोड़े करके दूध मिलाएंगे। कुछ इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करना होगा। कुछ ड्रॉप इसमें हम वेनिला एसेंस के ऐड करेंगे। जिस कंटेनर में हम केक को बनाएंगे उस कंटेनर को हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना होगा। ग्रीस करने के बाद पेपर उस पर अच्छे से लगाना होगा ताकि हमारा जो केक है वह साइड से बर्न ना हो जाए। अब हम धीरे धीरे ये बैटर को कंटेनर में डालेंगे। बैटर डालने के बाद कंटेनर को अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि बैटर के अंदर कोई लम्स ना रहे। मैं इस केक को ओवन पे नहीं बनाकर गैस पे बना रही हूँ, इसीलिए हम यहाँ पे पहले से 5 मिनट के लिए कंटेनर को प्रीहीट कर लिए थे। अब हम उस पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे
सॉल्ट डालने के बाद यहाँ पे हम एक स्टैंड को रखेंगे। स्टैंड रखते वक्त थोड़ा सावधानी रखिए। उसके बाद हम कंटेनर को इसमें रख देंगे और 40 टू 45 मिनट्स के लिए लो हीट में इसको बेक करेंगे। 45 मिनट्स के बाद ढक्कन हटाकर हम इसे एक बार एक स्टिक के सहारे चेक कर लेंगे। हम स्टिक को पहले अंदर डालेंगे। अगर स्टिक पे बैटर का कोई भी पार्ट चिपकता है तो केक अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर स्टिक सूखा रहता है तो आपका केक बन चुका है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करते वक्त पास के दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये रेसिपी आप ज़रूर घर पे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।